तारीख है 4 नवंबर 2023, समय हो गया है 09:08 AM। जो अभी ईविक्स कैश के आउटलेट का मामला आया ना, मैं उसमें कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जो लोनर्स हैं उनको आउटलेट नहीं मिलेगी भैया, री ऑक्शन हो रही है, री ऑक्शन है और 80 करोड़ मिनिमम है, ठीक है जी, और डिपॉजिट अलग लगेगा। नफा है नुकसान है हमें नहीं पता, वो तुम समझो। अगर ईविक्स कैश की आउटलेट लेनी है, ये सारी दुकानें मेरे नाम से हैं, मेरी ओनरशिप में हैं, ओनर मैं हूँ इन दुकानों का, मेरा नाम हितेश मंडल है, ईविक्स कैश का मालिक हूँ मैं। दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। कोई भी लोन डिफॉल्टर या एग्जिस्टिंग लोनर इन दुकानों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नहीं भरेगा या डीलरशिप के लिए, बिल्कुल नहीं भरेगा। आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, अपनी जान पहचान अपने पास रखो, आप कोई हो, मैं नहीं देता जी, ठीक है ना। मेरा समय बर्बाद करो ना अपना करो, आप जाइए, आपने लोन ले लिया, आप क्लाइंट है, आप अपना काम कीजिए, समय पे आके ब्याज दे जाओ, बात खत्म है। और अगर ऑलरेडी हैं तो आप सीधे ऑफिस में रिपोर्ट करो आपकी आउटलेट सरेंडर हो रही है, एक बात। दूसरी बात, इन आउटलेट्स पे एक कारण ये भी है हटाने का, दूसरा कारण ये है कि आपने अल सलीम और हक्कानी के साथ मिलके और पाकिस्तान ISI के साथ मिलके इन आउटलेट्स पे RDX, जी हाँ RDX AK-47 गैर कानूनी हथियारों का सौदा शुरू किया, ताकि आप अपने ब्याज का लोन का ब्याज पे कर सको। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जी। कल रात को टाइम केयर संगम बिहार और दिल्ली में छतरपुर में MS कोमल और गोस्वामी कम्युनिकेशन के साथ साथ टोटल 22 आउटलेट पे रेड हुई है, और सब पे होगी ईविक्स कैश की, हर आउटलेट पे रेड होगी। आप लोन डिफॉल्टर हैं, आपको हटाया जाता है जी, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है जी। मेरा क्राइम से और क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं अपराध करता और ना मैं अपराधियों को पसंद करता। मेरी आउटलेट पे ईमानदारी से काम होगा, करना है करो, नहीं करना अपने घर जाओ। पैसे बचे तो डीलरशिप लो, नहीं बचे तो मत लो, बात खत्म, बात खत्म। आतंकवादियों से और अपराधियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता जी आपको। कोई हो आप, कोई नाम हो आपका, कोई नाम हो, कोई रिश्तेदारी हो, कोई उम्मीद मत रखना मेरे से कि आपको ईविक्स कैश की आउटलेट या डीलरशिप मिल जाएगी, या अमान में या हकानी में या कहीं पे भी आप लोन दिलवाने के लिए किसी क्लाइंट को लाओगे तो कमीशन मिल जाएगा। मैं ये सब काम नहीं करता, मैंने इतनी मार्केटिंग कर दी है कंपनी की कि मुझे किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। रोज के 3,000-4,000 बड़े लोन्स मेरे जाते हैं। कोई हो तुम, किसी डिपार्टमेंट में हो, DGP हो, IG हो, किसी के लड़के लड़की हो, लोनर हो, नहीं आना मेरे पास, बात खत्म, बात खत्म। इसी वजह से मैंने मरियम नवाज शरीफ को हमेशा के लिए अपनी किसी भी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, सीधे तौर पे। मेरा कहना साफ सीधा है, क्योंकि MS कोमल जो ईविक्स कैश की एक डीलर आउटलेट है, वहां पे मरियम नवाज शरीफ ने बोर्ड चेंज करवाया दुकान का, और उसी के सामने मकान किराए पे लेकर रह रही थी और उसे अपने इशारों पे चला रही थी, जहां पे 2 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का पैकेट रखा हुआ था, सिर्फ उस पैकेट की चोरी के लिए। ऐसे 420 लोगों के लिए मेरे यहां कोई जगह नहीं होगी। मरियम नवाज शरीफ का कोई भी लिंक मेरी कंपनी में नहीं काम कर सकता, बात खत्म। यहां जो बीकानेर वाला और अग्रवाल स्वीट
विश्व की सबसे बड़ी ईबिक्स कैश की आउटलेट बना रहा हूं मैं अब। कोई दिमाग नहीं लगाना आप, कोई भी बोला तो बोला, ये दोनों आउटलेट मैं खुद चलाऊंगा, ठीक है? चाहे उस दुकान में काम करने वाला कोई भी हो, चाहे मैनेजर हो चाहे जनरल मैनेजर हो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? और नहीं तो एक ऑर्डर पे बंद करा दूंगा आउटलेट, दुकानें मेरी हैं दोनों। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम सबको, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझ में आई? बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? आपने लोन लिया है, आप अपना कहीं और जाओ, ये मत सोचना। और जो आप मेरे से बहस कर रहे हो ना कि यहाँ तो नौकरी भी नहीं मिलेगी ना आउटलेट मिलेगी, तो आपने ये सोच के लोन लिया था हैं? नीयत खराब है, ज्यादा नहीं है, कुछ एक ही लोग हैं ये, इनकी नीयत खराब है, ये नीयत के साफ नहीं है ये लोग, समझ भाई? आप अपने लोन का ब्याज पे कीजिए, बात खत्म है, या कोई फालतू बहसबाजी नहीं है। चाहे कोई सी भी ईबिक्स कैश की आउटलेट हो, उसका ओनर मैं हूँ दुकान का, चाहे कागज चेक कर लेना। और जो भागलपुर में, जो जी हाँ, भागलपुर मोबाइल पे रेड हुई है ना, भागलपुर में, भागलपुर मोबाइल पे जो रेड हुई है, ठीक है जी, वहाँ पे जो सेल टैक्स की धमकी दे रहे थे ना, पता लग गया होगा रात भर में, रात भर में पता लग गया होगा, ठीक है, रात भर में पता लग गया होगा। आसानी से वहाँ जा करके बगल वाले में हथियार रखवा दिए, और उसके बाद फोन करके कह रहे हैं कि वो हथियार जो है इनके हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कल जो है ना रात को भागलपुर, कहलगांव, पूर्णिया, जमालपुर भयंकर रेड हुई है, ठीक है जी, भयंकर रेड हुई है ईबिक्स कैश आउटलेट पे। एक बात, दूसरी बात, दुकान का नाम जिससे है वही नाम होना चाहिए बोर्ड पे। अगर हेरा फेरी करी, कोई गड़बड़ करी, और वो भी क्या 6 करोड़ का ही तो पैकेट रखा था सिर्फ वहाँ, 6 करोड़ रुपए रखे थे, दिल्ली में तो ट्रिलियंस होते हैं ना, 6 करोड़ रखे थे। और ये जो बीकानेर वाला है ना, और अग्रवाल स्वीट, ये राजपुर खुर्द में जो खुला है नया, और ये बीकानेर मिल्क मलाई वाला, जानते हो कितने की आउटलेट है? 2500 ट्रिलियन इंडियन रुपीज के पैकेट है यहाँ पे, 2500 ट्रिलियन, 90 ट्रिलियन के 2500 पैकेट हैं, 2500, 5000 पैकेट 90 ट्रिलियन के, ठीक है? कोई किसी चक्कर में मत रहना, साफ कह दे रहा हूँ, साफ कह दे रहा हूँ एकदम, किसी चक्कर में मत रहना। भागलपुर मोबाइल में जो दिमाग लगाया था ना सबने, दुकान का पूरा बोर्ड चेंज, नाम चेंज, और 6 करोड़ पे रखे हुए, आराम से सेल टैक्स के अधिकारी बन के पहुंच गए लोग बाग। मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ, इधर बात करना, मैं हूं मालिक उस दुकान का। अबे वो तो चला रहा है, वो तो उसको सिर्फ चलाने बैठने के लिए बोला है सिर्फ, दुकान का मालिक मैं हूं, मैं भागलपुर मोबाइल का दुकान का मालिक हूं बे, मुझसे बात कर। निकल गई ना गर्मी दिमाग की रात भर में, हैं? निकल गई, अभी और निकालूंगा सुबह, अभी और निकालूंगा। अफीम किसने रखवाई वहां पे, नाम बताऊं हैं? नाम बताऊं, गुमटी नंबर 2 पे रहता वो, उसने अफीम रखवाई थी, क्यों रखवाई? इनको ये नहीं पता अंदर वॉल्ट में जो है ना JSR सिक्योरिटीज वाले बैठे हुए, तो वहीं चलान काट देते हैं, वहीं अरेस्ट हो जाते हैं ये, समझ भाई? ईबिक्स कैश की हर आउटलेट के अंदर JSR सिक्योरिटीज वाले बैठे हुए। कल इंटरपोल की एफआईआर हुई और तब रेड शुरू हुई है, और ये रेड ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगी भाई साहब। ईबिक्स कैश कंपनी मेरी है, और उसकी हर आउटलेट ना मेरी ओनरशिप है, मेरी, ठीक है? मैं बताऊंगा ना काम कैसे करते हैं, किसी को नहीं मिलेगी, कोई रिश्तेदारों को मैं नहीं सुनता भाई किसी की भी। मुझे पता है कई लोग आके बोल के गए, मैं नहीं सुनता जी। आपने लोन लिया है, आप अपने लोन के पैसे दे दीजिए, ब्याज पे कर दीजिए, आप जाइए, बात खत्म, बात खत्म।
बात खत्म, बात खत्म। आप चाहे पूर्णिया से उड़ के आए हो, चाहे आप बीकानेर से उड़ के आए हो, चाहे आप काठमांडू से उड़ के आए हो, कोई फायदा नहीं। ईबिक्स कैश की आउटलेट नहीं मिलेगी किसी को भी। ये ईमानदारी का खेल है और उसी को मिलता है जो मेरे सगे हैं, बाकी किसी को नहीं देता ही नहीं मैं। क्यों मैडम जी? बड़े प्यार से कैश के डब्बे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाने का मूड था। कैश के डब्बे पे मैडम जी, मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है। ईबिक्स कैश की जितनी आउटलेट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उस दुकान की ओनरशिप मेरी है, ओनरशिप कह रहा हूं मैं, ठीक है। पंडित उमा शंकर शुक्ला जी, आपके भाई ने फोन करके तो हो गई तसल्ली, उसको हो गई, क्या फायदा। ये सब काम मैं करता ही नहीं, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ और उसका गैंग मेरी कंपनी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, समझ में आई। ईबिक्स कैश तो बहुत बड़ी जगह हो गई, गोलगप्पे की दुकान के आसपास नहीं दिखना चाहिए। नहीं, ग्राहक बन गया है, खाए मना थोड़ी है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप नहीं। मैडम हर जगह अपना कागज लगा रही है ओनरशिप का, क्यों भाई? करी शादी करी है, अच्छा जी। तो ये बात किसने कही, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा? नहीं, किसी ने तो कही है, ये जवाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज, ज़ारा नाम है, ज़ोया नाम है, नाम चाहे कितने ही बदल ले, उलिया चाहे कितने ही बदल ले, ये बात किसने कही थी, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, बहुत दूर खड़े हो जाना अपने आप मुंह घुमा के, वरना बेइज्जती बहुत करते हैं हम लोग, बहुत बेइज्जती कर देंगे हम एकदम मुंह घुमा के उधर। कौन नौकरी दे रहा है तेरे को? पंडित उमा शंकर शुक्ला, एकदम दूर निकल जा, दोबारा फोन मत करियो टाइम केयर पे, एकदम दूर निकल जा पंडित उमा शंकर शुक्ला। कह रहा देख, हाँ कह रहा देखते हैं इसे कौन नौकरी देता, दबाओ ऐसे, फोन कर रहा है टाइम केयर पे। पंडित उमा शंकर शुक्ला बेवकूफ समझ रहा है मेरे को? अरे ये संगम विहार वाला, संगम विहार में टाइम केयर आउटलेट, वही है संगम विहार आउटलेट, जा हाँ अमान अरकानी। भाई साहब, एक करोड़ों अरबों यूएस डॉलर की कंपनी है, ठीक है। हाँ, ये सब नहीं करना, ठीक है। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं पूरा नेटवर्क, बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल नहीं करना ये सब। मेरे यहाँ ये सब चलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, आप कंपनी स्टाफ हो, रजिस्टर्ड स्टाफ अलग है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से उसका सर्टिफिकेट होता है। कोई पैसे की जरूरत हो, कभी बोल दो कि मुझे सर इतने पैसे की जरूरत है, ये काम है, कोई बात, हेरा फेरी नहीं, ठीक है। और लोनर्स को तो मैं रखता ही नहीं अपनी कंपनी में, आपने लोन लिया है आप ब्याज दीजिए, आप जाइए। ठीक है, कोई दिमाग नहीं, कोई दिमाग मत लगाओ भैया। आप अब आपने लोन लिया है, आप अपना बिजनेस संभालो, जो मर्जी करो, हमें मतलब नहीं है जी। टाइम पे आकर ब्याज दे जाओ, बात खत्म। ना हम आपको तंग कर रहे हैं, ना आप हमें तंग करो। भागलपुर मोबाइल, कहलगांव, पूर्णिया, भगवती ट्रेवल्स, ठीक है जी, जय श्री राम। भगवती ट्रेवल्स भागलपुर, रेड हुई है, अड्डा बना रखा था ना बैठने का भाई साहब, भगवती ट्रेवल्स है, भगवती ट्रेवल्स अड्डा बना रखा था ना,
नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बात सुनो, ईबिक्स कैश शौर्य भागलपुर आ रहा है, शौर्य भागलपुर आ रहा है, ध्यान रखना, भगवती ट्रेवल्स और भागलपुर मोबाइल, इसके साथ बाकी कोई नहीं चिपकेगा, समझ में आ रही है। और कुछ एक जब्ती होनी है मकान की, वो जब्ती करवा देना इसको, हाथ के हाथ खाली कराओ, मैं नहीं जानता कौन कहाँ जाएगा। और जो नया वाला घर लिया है ना मैंने, वो दिखा देना इसको, बोलो रहेगा तो उसमें रहेगा जाके, ठीक है। जो नया वाला घर लिया है ना मैंने, अब मुझे नहीं पता ट्रेन कौन सी है, मुझे नहीं मालूम। शौर्य बिहार आ रहा है, ठीक है, भगवती ट्रेवल्स और भागलपुर मोबाइल, याद रखिएगा। इसके साथ कोई और ना चिपके, कोई भी हो, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बस। हाँ, इसको नया वाला पूछ लेना, रहेगा तुम्हारे लेगा, नया वाला घर दिखा देना, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको दे देना वहाँ पे। नहीं नहीं मैं तो ड्यूटी पे चल रहा हूँ यार, मेरे ड्यूटी पे चल रहा हूँ यार, मैं कहाँ आऊँगा, ये तो छुट्टी पे है। अच्छा ना ना ना, कोई ये नहीं कि इसको साथ में लेके से बहाने से कोई चिपक रहा हो, बिल्कुल नहीं। भागलपुर ईबिक्स कैश, हाँ ये संभालेगा, पहले काम सिखाओ, ओनरशिप नहीं देता मैं किसी को भी, बेटा ही क्यों ना हो, काम संभालेगा, पहले समझेगा पूरा काम, ठीक है। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, भगवती ट्रेवल्स, अबे ओनर हूं मैं भगवती ट्रेवल्स का, भगवती ट्रेवल्स का ओनर हूं मैं। भाई साहब ईबिक्स कैश की जितनी भी आउटलेट है उसका ओनर हूं, समझ में आ गई। भगवती ट्रेवल्स की जितनी बसेस है ना, भगवती ट्रेवल्स की जितनी बसेस हैं मेरी हैं वो, ठीक है। भगवती ट्रेवल्स भागलपुर जितनी बसेस हैं, जी हाँ, वीडियो कोचेस सब मेरी हैं, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ये नहीं, बात खत्म है। हम आपको नहीं जानते, बस आप हमें नहीं जानते, उधर मुंह घुमाओ, उधर मुंह घुमाओ। सेंट्रल विजिलेंस का नाम सुन लिया तो चिढ़ गए, विजिलेंस वाला है, अबे तो विजिलेंस वाला होता, ईमानदारी से जिंदगी जी रहा हूं, कोई पाप कर दिया क्या मैंने, हैं? कोई पाप कर दिया क्या मैंने? और इसे प्यार से पूछना तो इसके पैर में चोट कैसे आई, ये बता नहीं रहा है सच सच, शौर्य से पूछना तो जरा, इंडियन रेलवे को बोल दे कौन है, ओए रूट का जनरल मैनेजर कौन है, इसकी ट्रेन का जीएम अलग बना, इसकी ट्रेन का जीएम अलग बना पूरा दिल्ली से भागलपुर तक, बस। नहीं नहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है इसकी कोई, लेट हिम एंजॉय, व्हाई व्हाई, कोई नहीं जाएगा इसके पीछे, नया जनरल मैनेजर लाओ, इसके रूट का जीएम नया बनाओ पूरा, आना जाना पूरा देखेगा, और जो नया वाला घर लिया इसको दिखा देना, नहीं तो इसके लिए भी एक और ले दो, इसको लेके दे दो एक नया, नहीं नहीं पूरा पूरा सेपरेट लेके दो, पता नहीं क्या कह रहा, कुत्ते उत्ते पालेगा, इतना बड़ा हो गया यार ये, हाँ ठीक है। और लड़कियों से दूर रखना इसको, शादी वादी कोई मैटर नहीं है, और अगर किसी ने दिमाग लगाया ना तो गोली मार देंगे, याद रख लियो, पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया बंदा, कहीं पिछली बार की तरह पीछे पड़ जाए। भगवती ट्रेवल्स,
और मंगा ले यार, 2000 बसेस ऑर्डर कर दे यार, वीडियो कोचेस मंगा ले, महंगी बढ़िया वाली मर्सिडीज की मंगवा ले यार, मर्सिडीज मंगवा ले, भेज रहा हूँ पैसा। भगवती ट्रैवल्स, नहीं नहीं एकदम बाहर भैया, यहाँ नहीं, मैं सकल नहीं देखना चाहता उनकी, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि इसके लिंक से उसके लिंक से, सिंधी में समझा दे भैया, कंपनी के अंदर नहीं घुसने देंगे, आने तो तू इसको ही बाहर बैठा दियो, इसको ही बाहर बैठा दियो, कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के अंदर आप आओ, मजे लो, गेट से निकाल दियो एक से, ठीक है, पूछ ले कहाँ कौन सा कहाँ रहना चाहेगा। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता है, अच्छा हाँ मर्सिडीज लगा दे, एक काम करना भगवती ट्रेवल्स में अभी जो है 50 बसेस मंगा ले मर्सिडीज की, स्पेशल रूट के लिए 50 बसेस मंगा ले मर्सिडीज की, स्पेशल बुकिंग होगी तो हो जाएगी, 100 मंगवा ले यार बस, सौ मंगवा ले इसकी, हाँ भर देते हैं, क्या दिक्कत है, बताओ यार, वो विजिलेंस का देख करके डर गए, उल चुल उल चल रहा तब से, उल चुल कुछ भी बोले यार, मतलब मैं उससे पहले मैं इंसान नहीं था क्या, उससे पहले मैं इंसान नहीं था, बात हो गई उसके, हाँ ठीक है, अच्छा जी सौ मर्सिडीज की बसेस मंगा ले भगवती ट्रेवल्स, अरे ऐसे लिख देंगे और क्या करते, चल ठीक है, हैं कल है पता नहीं किससे कौन किस समय की ट्रेन है मुझे नहीं पता, शौर्य क्रूज लाइनर का ओनर है वो तो, रहा तिलका मांझी पे ही तो है, सीढ़ी घाट देखा है, सीढ़ी घाट पे ही तो है शौर्य क्रूज लाइनर, नहीं देखा, सीढ़ी घाट पे ही तो है, उधर ही तो बनते हैं शिप, पानी पानी के जहाज बिल्कुल बनते हैं, शौर्य क्रूज लाइनर इसी की तो है, मैं कहा ढूंढ ले, ना ना कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग में नहीं आ रहा, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है, चल दे मस्त रहे, साइज ये चेक कर लियो भैया, ठीक है, वो सब नहीं चलता, अरे झगड़ा तो वही चल रहा है इसका, मेरा झगड़ा तो वही चल रहा है यार, इसकी सिक्योरिटी में मैंने कोई 150-200 फीमेल्स बोली, तब से झगड़ा कर रहा है मेरे से, मैंने कहा अच्छा हटा देता हूँ, मैंने कहा मैडम जी आप लोग इधर आ जाओ मेरी सिक्योरिटी में, तुझा 200-250 फीमेल्स थी इसकी सिक्योरिटी में, अब मैं तेरे मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ यार, मैं तुझा मैं कब मेरे पास भेज दे, बात करेगा अपने आप, अच्छा कल है 100 बसेस ऑर्डर कर दे, स्पेशल ऑर्डर बुकिंग आती है ना,
और गाड़ियां भी मंगानी है भाई, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस मंगा ले भगवती ट्रेवल्स में, मंगवा ले कितनी 100 रोल्स रॉयस मंगा ले, किराए पे जाती है ना, मंगवा ले 20 मंगवा ले, 10 मंगवा ले, ऑर्डर कर दे फटाफट, पैसा पहुंच जाएगा, लिखवा दियो। अरे भाई ओनरशिप है रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, तू फोन कर ना, बोले तेज ने बोला है, तो फोन कर दे सीधा भगवती ट्रेवल्स से, बोल भगवत, बोल दे भगवती ट्रेवल्स भागलपुर से बात कर रहा हूँ मैं, बोले साहब ने बोला है कि 20 रोल्स रॉयस और 100 मर्सिडीज, 100 BMW कॉनवॉयस गाड़ियाँ मंगवा ले भगवती ट्रेवल्स, कॉनवॉय चलवाएंगे, ठीक है देखेगा, ठीक है आप फोन कर दो, पेमेंट वहाँ से अपना माइनस हो जाएगी, चलो जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक नहीं करा अब तक, मेरा मैं तो मेरी ड्यूटी चल रही है, सवाल ही नहीं उठता अभी तो सरकने का सवाल, यही लोग आ रहे जा रहे घूम फिर रहे, यही लोग आ रहे जा रहे घूम फिर रहे, मेरा तो सवाल ही नहीं उठता, मेरी ड्यूटी चल रही है। चंपारण ट्रांसफर, DGP परमानेंट रेजिडेंट, रेजिडेंट DGP चंपारण, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, परमानेंट हो गई ट्रांसफर, कल हो गई ड्यूटी, स्पॉट ड्यूटी चल रही है ना, तो वहां रेजिडेंट दे दिया ना, अब रेजिडेंट दे दिया ना, रेजिडेंट हमेशा के लिए, एक ही जगह से DGP चंपारण, देखो अभी तो स्पॉट ड्यूटी चल रही है, कि स्पॉट ड्यूटी पूरी होगी तब आते हैं। सेंट्रल, सेंट्रल से नहीं, DGP चंपारण परमानेंट, परमानेंट रेजिडेंट, रेजिडेंट DGP, कोई ट्रांसफर नहीं होगी इसके बाद अब अच्छा काम सेम है, आज शुरू करूंगा, फाइल मंगा लिया सर, मैं कर लेगा चल रहे, ठीक है।